पूर्व क्रिकेटर सलिल अंकोला की पत्नी परिणीति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिणीति पिछले 4 साल से अपने पति से अलग माता पिता के साथ रह रही थी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में सलिल के साथ विवाद और झगड़ों से तंग आकर खुदकुशी की बात कही गई है। सलिल अंकोला की पत्नी ने किया सुसाइड। 4 साल से अलग रह रहे थे पति पत्नी। पूर्व क्रिकेटर और एक्टर सलिल अंकोला की पत्नी परिणीति ने रविवार दोपहर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुणे में अपने माता पिता के घर परिणीति ने उस वक्त फांसी लगाई जब घर के सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अहमदनगर गए थे। परिणीति अपने माता पिता का फोन नहीं उठा रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को घर जाकर देखने को कहा। परिणीति ने अपने बेडरूम में ओढ़नी से फांसी लगा ली थी। उसकी डॉटर की लास्ट फोन कॉल 3:30 बजे डॉटर ने फोन किया था, तो तभी भी उन्होंने फोन नहीं उठाया था, तो किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था और किसी ने आज उनसे बात नहीं की। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए और चाबी नहीं थी हमारे पास, तो लॉकस्मिथ को लेके आके दरवाजा खोल के हम अंदर आए और देखा कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया था। परिणीति सलिल अंकोला, ये 46 ईयर की जो महिला है, उन्होंने अपने घर के बेडरूम में अपने दुपट्टे से सुसाइड किए, गले में लगाकर फैंस लटकाकर। पुलिस को बेडरूम से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें परिणीति ने अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने की बात लिखी है। परिणीति और सलिल की शादी 7 जून 1991 को मुंबई में हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं जो अब बड़े हो गए हैं। बेटी सलिल के माता पिता के साथ रहती है, जबकि बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन परिणीति सलिल से झगड़े के बाद 4 साल से अपने माता पिता के घर पुणे में रहती थी। परिणीति के माता पिता के मुताबिक सलिल को शराब की लत लग गई थी, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन दोनों के बीच अब तक तलाक नहीं हुआ था। हालांकि सलिल उस पर तलाक का दबाव डालता रहता था। उसको लगा कि वो उसकी ट्रीटमेंट चल रही, वो ठीक हो जाएगा और हमारा वापस अच्छा चालू हो जाएगा सब, और उसने तो अलग ही कर दिया। उधर जाके वो भाई के साथ रहने लगा, उधर मुंबई में शादी भी कर दी बोला, तो ये एकदम इसका लाइफ ही बर्बाद हो गया कि अभी मेरा कुछ नहीं रहा। मेरा लड़का भी सिख पढ़ने को गया, वो भी मेरे को छोड़ के गया, मेरी लड़की भी उधर गई, मैं अकेली हो गई। न तो तूने बच्चे के लिए कुछ किया है, बच्चों के लिए कुछ किया है, मेरे लिए कुछ किया है, और ऐसे ही मैं तेरे को खाली कैसे कंसर्न डाइवर्स दे दूं। तो वो मैटर उनका यहाँ पुणे के कोर्ट में चालू था, और वो मैटर चालू था उसी टाइम में उसने ये पब्लिश कर दिया, तो वो उससे बहुत डिस्टर्ब हो गई कि इसको इतनी क्या जरूरत पड़ी थी न्यूज़पेपर के अंदर दे के सब लिखाने की, फोटो छपवाने की, ये करने की, इससे वो काफी परेशान हो गई थी। परिणीति के माता पिता का आरोप है कि सलिल ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसका परिणीति पर काफी मानसिक दबाव था। बच्चे भी उससे दूर हो गए थे, जिससे वो अकेला महसूस कर रही थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस समय पुणे से प्रतिभा चंद्रन।